हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रिशिका, और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी एंड यू मैगज़ीन। ओके, यहाँ पे ये आपकी नवंबर मंथ की मैगज़ीन है, और यहाँ पे जो टॉपिक है वो है वोट फॉर रिफॉर्म। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा जगह आपको देखने को मिल रहा है कि अभी इलेक्शन हुए हैं, साथ ही 2019 में हमारा जनरल इलेक्शन होने वाला है, और साथ ही नोटा भी आजकल बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में है। ओके, नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन होता है, इसको भी लेकर जब इलेक्शन होती है तो उस समय बहुत ज़्यादा ही अपोजिशन पार्टी इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को अब हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैगज़ीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी यूपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। साथ ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ये मैगज़ीन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो पेपर टू होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहीं से निकल कर आते हैं, इस मैगज़ीन से ही निकल कर आते हैं। तो अगर आप इस मैगज़ीन को डेप्थ में एनालिसिस करोगे, डेप्थ में पढ़ोगे, तो आपके लिए एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो एक मंथ में आपको दो मैगज़ीन देखने को मिलेंगे। ये आपका 1 to 15 डेट्स के बीच का मैगज़ीन है, उसके बाद 16 to 31 आती है। ओके, तो एक मंथ में दो मैगज़ीन आती है, और ये इलेक्शन स्पेशल है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ इलेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं अन अकेडमी में भी एज एन एजुकेटर वहाँ ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, साथ ही यहाँ पे मैं यूपीएससी और बीपीएससी की जो भी पेपर है मैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ। आपको यूपीएससी की मेनली ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है तो मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके ऋषिका नाम के प्रोफाइल से मुझे फॉलो कर सकते हो, या तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस पेज में आपका दिया हुआ है कि कुछ साइलेंट रिकमेंडेशन दिए गए हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन में। साइमल्टेनियस इलेक्शन कहने का क्या मतलब है कि इलेक्शन जो आपका साथ ही साथ सेंटर का भी हो और स्टेट का भी हो। जैसे हमारे यहाँ 29 स्टेट्स है, तो इस सारे स्टेट का मिला के प्लस आपका सेंटर का जो आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है वो, और प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी आपके स्टेट्स में है, यानी 29 स्टेट्स में, तो इन दोनों का जो मिला के इलेक्शन होगा उसको हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो जैसे लॉ कमीशन ने अपना कुछ रिकमेंडेशन दिया है, साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ अपना रिकमेंडेशन दिया है, और नीति आयोग ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग एक एक करके सबकी रिकमेंडेशन को देख लेते हैं। तो लॉ कमीशन ने कहा है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो कंडक्ट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 को, उसको अमेंड करना होगा। साथ में जो हमारा लोकसभा के प्रोसीजर का जो रूल्स है उसको अमेंड करना होगा, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रूल्स बुक है उसको भी अमेंड करना होगा। तो इन दो चीज़ों को अमेंड करके हम लोग साइमल्टेनियसली इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। और जो डेफिनेशन है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, उसको ऐड कर सकते हैं सेक्शन 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। और जो प्रोविजंस है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोविजन है, इसको हटा सकते हैं हमारे कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ओके, नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एक प्रोविजन हुआ करता है हमारे यहाँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को हटा कर कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, इसको भी अमेंड करके, जिसमें कि प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो रूल लोकसभा के रूल्स का होता है उसको हम लोग अमेंड करके ये प्रोविजन ला सकते हैं। जो रूल है प्रोसीजर का और कंडक्ट है बिजनेस का लोकसभा के, और एक न्यू रूल लाया जाएगा जिसमें कि हम लोग रूल 198A कहेंगे, उसको भी ऐड किया जाएगा इसके इस रूल में। ओके, तो ये थी हमारे लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस में लॉ जस्टिस एंड, उन्होंने स्टेट किया है कि ये अभी डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम लोग कंडक्ट करें साइमल्टेनियस इलेक्शन हर एक 5 साल में आगे आने वाले फ्यूचर में। और उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि जब हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन 2 फेज़ में होल्ड कर सकते हैं, जहाँ तक कि इलेक्शन अगर देखें तो कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली का हेल्ड किया जा सकता है किसी भी लोकसभा के मिड टर्म में, यानी लोकसभा का हमारा टोटल टर्म जो है 5 ईयर्स का होता है, तो 5 ईयर्स के मिड टर्म में भी हम लोग कुछ कुछ स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जब इलेक्शन होता है तो वो भी हम लोग कंडक्ट करा सकते हैं। स्टेट असेंबलीज जो है जिनका टर्म्स और अगर मान लो कि उनका टर्म पीरियड जो 6 मंथ का होता है, अगर वो एंड हो जाता है 6 मंथ या 1 साल के पहले, तो उसमें भी इलेक्शन डेट जो है अपॉइंट हो सकता है एक साथ। सेक्शन 14 और जो 15 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, वो भी यूज हो सकता है जिसमें इलेक्शन एक साथ हो सके बिना किसी असेंबली के टर्म्स को एक्सटेंड किए हुए।
ओके, तो ये हमारे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन था। अब देखते हैं कि नीति आयोग क्या कह रहे हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो एड्रेस करेगा, जो भी फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो होती है ना कंट्री में, उसके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि हर साल आपको 5-6 स्टेट में देखने को मिलते हैं कि इलेक्शन होते ही है, उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, जो हमारे पॉलिसीज़ होते हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं ना हमारे यहाँ, इस प्रॉब्लम को निजात देगी साइमल्टेनियस इलेक्शन। जो गवर्नमेंट है और साथ ही जो की डिसीजन मेकर है, उनको वर्क करना पड़ेगा और साथ ही अचीव करना पड़ेगा एक आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस को और इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन होता है इंडिया का, ताकि वो एक साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर सके। इम्प्लीमेंटिंग जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो एक तरीके का शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये जो है आपका लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा कि इंडियन पॉलिटी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग मूव ऑन होते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। ओके, तो पहली आर्टिकल है कि शुड द स्टेट फंड इलेक्शन इन इंडिया, क्या स्टेट को फंड करनी चाहिए जो भी इंडिया में इलेक्शन होती है। तो इससे रिलेटेड अब आर्टिकल देखते हैं। एक कॉन्ट्रोवर्सियल हमारा हुआ था 2016 नवंबर में, जो आपको देखने को मिलेगा, डीमोनेटाइजेशन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ओकेजन को यूज़ होते हुए उन्होंने कहा था कि एक पब्लिक जो फंडिंग होती है ना उसकी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। जो पब्लिक फंडिंग आपका इलेक्शन में होता है और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है इंडिया में, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और जो आइडिया है ना स्टेट फंडिंग का, पॉलिटिक्स का, वो करेंसी गेन करता है इंटरनेशनली। अगर हम लोग ग्लोबल डेमोक्रेसी वॉचिंग वॉच डॉग इंटरनेशनल IDEA की तरफ से देखें, तो बहुत सारी जो है, जैसे 116 डेमोक्रेसी है आज के डेट में, जो वो स्टेट सब्सिडीज़ लेती है, जिसके थ्रू उनका जो मनी का इन्फ्लुएंस है ना वो रिड्यूस हो जाता है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप भी इसको अच्छे से रीड कर सको। रीचर और जो एडवांस डेमोक्रेसीज़ है, जैसे कि आपका US हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी, फिनलैंड और इटली हो गया, ये एक्सपेरिमेंट कर रही है स्टेट फंडिंग के साथ। बहुत सालों से ये स्टेट फंडिंग कर रही है। अगर एशिया में देखें तो कंट्रीज़ जैसे जापान है आपका, साउथ कोरिया है, इज़राइल है, वो भी एक पब्लिक फंडिंग मॉडल को अडॉप्ट कर चुकी है कुछ समय पहले ही। इंसिडेंटली देखें तो जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है वो फर्स्ट है कि वो इंट्रोड्यूस की है स्टेट सब्सिडी पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो स्टेट सब्सिडीज़ है जो कि न्यू वर्ड है हमारे लिए। अब उरुग्वे है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है स्टेट सब्सिडी। ओके, ये किया था 1920 में ही उरुग्वे कर चुका था। उसके बाद जो ये आइडिया है ये बोरो किया गया कोस्टा रिका और अर्जेंटीना के द्वारा। अब देखिए 7 जो लैटिन अमेरिकन डेमोक्रेसी है वो अभी भी एक सिस्टम पे चल रही है जिसमें कि स्टेट फंडिंग किया जा रहा है। अब देखते हैं अ कंपेलिंग केस फॉर पब्लिक फंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। तो पब्लिक फिनेंशियल मॉडल जो है वो अभी प्रोपेगेटेड हो रहा है एंटी करप्शन क्लेम के लिए। अगर ग्लोबली देखें तो एंटी करप्शन जो थ्योरिस्ट है वो आपका क्लेम करता है एक हिस्टोरिकल वेरीफिएबल इंडिकेटर्स में, जहाँ तक कि इलेक्शंस जो कंट्रीब्यूट करता है कुछ इंस्टांसिस में, फंक्शन करता है एज ए काइंड ऑफ लीगलाइज्ड ब्राइबरी, इसमें बहुत ज़्यादा जो ब्राइबरी लेन देन होता है वो भी लीगलाइज्ड हो जाता है इलेक्शन में। पब्लिक फाइनेंस जो है वो हेल्प करता है, जिसके द्वारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस होती है ना उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और जो डायरेक्ट होती है। ओके, क्विड प्रो क्यू किकबैक्स और करप्शन। ओके, जो ये आपका वर्ड है क्विड प्रो क्यू किकबैक्स, इसका मतलब होता है करप्शन। स्टेट फंडिंग्स जो है वो एक एफर्मेटिव सिस्टम है और ये रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, ये एफर्मेटिव सिस्टम है जिसमें कि जो भी करप्शन होता है वो प्रिवेंट कर लिया जाता है। ये डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है कैंडिडेट्स के अमंग में, साथ ही ये एक पब्लिक सर्विस भी के जैसा एक्ट करता है पूरे सोसाइटीज़ के लिए। ओके, और ये डोनर्स को हेल्प करता है। डैट्स वाई इसको कहा गया है कि ये एफर्मेटिव सिस्टम है, मीन्स ये हर एक गलत काम को भी प्रमोट करता है। ये डिनाई नहीं किया जा सकता है कि जो ओरिजिनल थियोरेटिकल आपका एजम्पशंस है पब्लिक फंडिंग के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, उसको पॉलिटिकल फिलोसफर्स भी कहा गया है, जैसे जॉन रॉल्स और रोनाल्ड डॉर्निंग, उनके लिए जो है पब्लिक फंडिंग एस्पायर्स करता है कि वो इस्टेब्लिश कर सके इक्वलाइजिंग इन्फ्लुएंस, जिसके थ्रू वो इन्फ्लुएंस कर सके सोसाइटी के हर तरीके के लोगों का, और इंडिविजुअल्स जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सके किसी भी तरीके का इलेक्ट्रल प्रोसेस के इन्फ्लुएंस को। अगर हम लोग स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग देखें या पॉलिटिकल इक्वालिटी को देखें, तो ये डिमांड करता है कि इक्वल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, इस तरीके का एक कंसेप्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सिटीजन्स को जो है वो ज़्यादा पावर नहीं देना चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस में। ओके, सारे
इस सिटीजन्स को जो है ना इक्वल पावर देना चाहिए। अगर दूसरे वर्ड में देखें तो जो इक्वालिटी है हमारे पब्लिक फंडिंग रेस्ट्स का, वो एक सेंट्रल फियर है। और साथ ही जो पॉलिटिकल एक्टर होते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इकोनॉमिक पावर को पॉलिटिकल पावर में, जिसके द्वारा वायलेट किया जाता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। और इस तरीके के फिलोसफिकल आपका जो थॉट्स होता है ना, उससे थ्री तरीके की एजम्पशंस निकल कर आती है। पहली है कि जो एंटी करप्शन आर्गूमेंट हो रही है, जिसके थ्रू क्या होता है कि बहुत बहुत ह्यूज मात्रा में जो मनी होती है ना, वो पॉलिटिक्स से बाहर हो जाती है, इसका डिमांड है कि जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें आपको सिर्फ मनी का आपको फ्लो दिखेगा। तो बहुत ह्यूज मात्रा की जो मनी होती है ना, उसको बाहर निकालना है पॉलिटिक्स से, तो ये डिमांड किया जाता है। और इसके थ्रू क्या होगा कि स्टेट को जो है ना, एक स्टेप्स लेना पड़ेगा और इस तरीके के चैलेंज को एड्रेस करना पड़ेगा, जैसे प्राइवेट फाइनेंस, जिसमें क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट को जो है ना, इस तरीके की फ़्लो ऑफ मनी से बाहर रखा जा सकता है। सेकंड क्या है, ये जो आपका पब्लिक फाइनेंस है ना, पब्लिक फाइनेंसिंग क्या करेगा कि ये इक्वलाइज़ करेगा, इक्वल रखेगा इन्फ्लुएंस, साथ ही साथ जो कंपटीशन को प्रमोट करता है। ओके, इससे क्या होता है ना कि स्टेट फंडिंग अगर नहीं होती है, आपकी पब्लिक फंडिंग नहीं होती है, तो कुछ लोगों के पास ज़्यादा मनी होता है, तो वो ज़्यादा मनी को डिस्ट्रीब्यूट करके वो वोट ले लेते हैं, वोट खरीद लेते हैं। तो इस तरीके की अगर इक्वलाइज़ होगी ना, तो लोग के पास एक न्यूट्रल पैसा होगा, और न्यूट्रल पैसे में क्या होगा कि वो इन्फ्लुएंस और प्रमोट करेंगे, कॉम्पिटिशन जो भी होगा ना, वो एक इक्वली कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एजम्पशन बताया जा रहा है कि अगर इस तरीके की पब्लिक फाइनेंस होगी तो किस तरीके का पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकता है कंट्री में। लेकिन अगर हम लोग अदर साइड देखें तो जैसे कुछ कंट्रीज है, जैसे इटली हो गया, इसराइल हो गया, फिनलैंड हो गया, जहाँ पे पब्लिक फंडिंग होती है, बहुत डिकेड से, प्रीवियस डिकेड से देखा जा रहा है कि वहाँ पे पब्लिक फंडिंग होती है, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है, इलेक्शन पे जो खर्च किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो मनी का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, उसमें कहीं भी रिडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यूनाइटेड स्टेट के केस में, तो जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो अभी डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। और जो ओबामा ईयर था, जब ओबामा जी वहाँ पे प्रेसिडेंट चुनकर आए थे, तो उस समय सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको मोस्ट एक्सपेंसिव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखने को मिला था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इस तरीके का हम लोग पब्लिक फाइनेंसिंग करें तो उससे जो भी मनी का आउटफ्लो इनफ्लो है वो कम ही हो जाएगा। ओके, इस तरीके की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा एक एजम्पशन लगाया जा रहा है कि अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, अगर अच्छे से अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अच्छे से स्कीम बनाकर इम्प्लीमेंट कर सके, तो इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते क्या कहा जा रहा है। फॉर इंस्टेंस के लिए कहा जा रहा है कि अगर हम लोग कुछ केस देखें इसराइल और यूएसए, तो ऐसा है कि जो पब्लिक सब्सिडीज़ दी जा रही है ना, वो भी रिड्यूस नहीं हुआ है अभी भी बिग प्राइवेट डोनेशंस के टर्म पे। सिमिलरली अगर हम लोग एक और केस देखें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वेटर और कोस्टा रिका हो गया, इसमें भी पब्लिक सब्सिडीज़ जो है ना, वो प्रूव कर रहा है कि इन इफेक्टिव है लिमिटिंग द रोल ऑफ बिजनेस पॉलिटिकल फाइनेंसिंग में। जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग में जो बिज़नेस है ना, उसको लिमिट करने में ये अनसक्सेस हुआ है। ओके, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पब्लिक सब्सिडीज़ है ना, वही करने से इस केस में फेल हो सकता है। तो इसको हम लोग रिप्लेस करके, ज़रूरी है कि हम लोग प्राइवेट डोनेशंस को अट्रैक्ट करें। लेकिन ये भी आपका एक सोर्स हो सकता है, एक एडिशनल सोर्स हो सकता है, जिसके थ्रू पार्टीज़ के जो है ना, वो इनकम का एक एडिशनल सोर्स हो सकता है। यहाँ पे फ्यू सक्सेसफुल एग्जांपल दिखाया जा रहा है, जैसे कि अगर हम लोग कनाडा का केस ले लें, तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ जो है, जो इंट्रोड्यूस की थी पब्लिक सब्सिडीज़ एज ए पार्ट ऑफ, जैसे कि उनका रिफॉर्म का पूरा सेट था कि वो पब्लिक सब्सिडीज़ देंगे, तो इसमें स्पेंड किया गया था स्पेंडिंग सेलिंग्स जो थी, साथ ही टैक्स इंसेंटिव्स थे स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस के, वो रिड्यूस हुए थे, जिसमें कि जो मनी का इनफ्लो आउटफ्लो था पार्टी फाइनेंसिंग में, वो कम हुआ था। अगर इसके साथ ही अगर हम लोग स्वीडन का केस देखें, तो जो जेनरस पब्लिक सब्सिडीज़ थी, वो आपका प्राइवेट डोनेशन से काफ़ी आगे थी, और ये मिनिमम स्टेट यहाँ पे इंटरवेंशन कर रहे थे पार्टी अफेयर्स में, जो कि यहाँ पे आपका पार्टीज़ में जो मनी का आउटफ्लो इनफ्लो था ना, वो सक्सेसफुली रिड्यूस हो पाया था। अगर हम लोग बोथ केसेस में देखें, तो ये ज़रूरी है हम लोग के समझने के लिए कि तो कुछ और फैक्टर है ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके को इफ़ेक्टिव करने के लिए, और इस तरीके की जो है पब्लिक फाइनेंसिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओके, कुछ और फैक्टर्स भी यहाँ पे ज़रूरत हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या स्टेट फंडिंग जो है हेल्प करेगा, जिसके थ्रू मोटिवेट हो पाएंगे न्यू इंट्रेंट्स, और ये इलेक्ट्रॉल जो कॉम्पिटिशन है उसको प्रमोट करेगा। तो ज्यूरी जो है अभी भी आउट है, और एविडेंस अगर हम लोग ग्लोबल एक्सपीरियंस में देखें, तो वो सजेस्ट कर रहा है कि जो पब्लिक सब्सिडीज़ है
वो कंपटीशन को फॉस्टर कर रहा है, यानी कंपटीशन को और बढ़ा रहा है, और ये एक फंक्शन है जिसमें कैसे जो है पब्लिक सब्सिडीज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर हम लोग कंट्रीज़ देखें, रशिया, जिसमें कि बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स जो है वो भी बढ़ चुका है, और यहाँ पे ऑथराइटेरियंस जो है वो भी प्रमोट हो चुका है। अगर इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें कि 2001 का जो पब्लिक फंडिंग लॉ था रशिया का, वो इस सिचुएशन में आ गया है जहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो रूलिंग पार्टी को चैलेंज कर सके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग मॉडेस्ट एविडेंस देखें तो अपोजिट में भी हमारे पास हो गया, यानी एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने से कुछ कंट्रीज़ में जो है इलेक्शन में मनी का आउटफ्लो और इनफ्लो जो है रिड्यूस हुआ है, और कुछ कंट्रीज़ में ये हाई हो गया है। कंपटीशन भी हाई हो गया है, गलत तरीके से हाई हो गया है। अगर हम लोग कुछ और इंस्टेंस देखें तो पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ इसराइल, इटली और मैक्सिको का देखें, तो यहाँ पे जो पब्लिक सब्सिडीज़ का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो और भी कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाया है, जिसके थ्रू जो है न्यू पार्टीज़ भी इसमें इंक्लूड हुए हैं और स्मॉलर पार्टीज़ को भी जो है फ़ंड प्रोवाइड की गई है। तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया के लिए क्या लेसन है। इंडिया जो है बहुत प्रॉब्लम से अभी गुजर रहा है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ओपेक है, और एक नेचर मर्की नेचर है आपका पॉलिटिकल फाइनेंस में, क्योंकि ओपेक है जो कि हम लोग को दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, हम लोग जानते नहीं है कि पॉलिटिकल फाइनेंसिंग कितनी होती है, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना मनी मिलता है। ये एक पब्लिक नॉलेज है। अगर हम लोग देखें 2014 के जनरल इलेक्शंस में, जिसमें कहा गया था कि ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस है, 2012 का जब US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था ना, उसके बाद हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन है 2014 का। अगर हम लोग स्टडी देखें सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़, जो कि 2014 में किया गया था, तो फिगर जो है वो बताती है कि इंडियन रुपीज़ में अगर देखें तो 3 लाख मिलियन जो है यहाँ पे मनी पूरी तरीके से खर्च की गई थी। यहाँ पे वोट को ख़रीदा गया था कैश देकर, अल्कोहल देकर, ड्रग्स देकर, और यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस जो है वो भी अपनाया गया था। सेकेंडली अगर बात करें तो पॉलिटिकल फाइनेंस जो है इंडिया में वो ओपैक है। ओपैक करने का मतलब कि पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, किसी को पता नहीं है, ये अपने आप में ही अंदर ये पूरी तरीके से चीज़ें चलती है। इनकम जो है आपका नोन सोर्स से अगर देखें तो वो सिर्फ एक माइनर पार्ट है फाइनेंस का, अगर मेजर पार्टीज़ में देखें। अगर हम लोग 2004-05 और 14-15 के बीच में देखें तो पार्टीज़ जो है वो फाइनेंस्ड किए जाते थे, जस्ट अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो आपका 1,13,670 मिलियन में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि 14-05 में इतना था और 14-15 में इतना बढ़कर हो गया है, यानी कितना ह्यूज डिफरेंस हो गया है। अगर तीसरी पॉइंट देखें तो बहुत सारी जो डेमोक्रेसीज़ हैं वर्ल्ड में, वहाँ पे ह्यूज डिपेंडेंस देखने को मिलता है कि मनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर से भी साथ में जो फाइनेंस किया जाता है इलेक्शन में, और पार्टीज़ एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारे आपके मेजर रोल है जो कि प्ले करते हैं स्टेट में, जिसमें कि इकोनॉमिक रेगुलेट होती है, साथ ही ये रिजल्ट करती है मोस्ट ऑफ द मनी जो कि कम आपका आता है कहाँ से, कॉरपोरेशन से, इलीगल तरीके से और अनडिस्क्लोज्ड मीन्स से। जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि ब्लैक मनी का जो रोल है इलेक्शन में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ ही जो अदर पार्टीज़ एक्टिविटीज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इवन अगर हम लोग देखें तो टैक्स बेनिफिट्स जो है वो भी प्रूफ नहीं कर पाती है कि जिसके थ्रू जो है आपको इंसेंटिव मिला है कॉर्पोरेट से, जिसमें कि आप रिवील कर सके अपनी आइडेंटिटी। अगर चौथी देखें तो ये एक एब्सोल्यूट आपका कॉम्पिटिशन्स की कमी है, अगर हम लोग कैंडिडेट के लेवल से देखें पार्टीज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है मनी की ज़रूरत। बहुत सारे कैंडिडेट को जो है ना वो मनी ही चूज़ करते हैं अपने जीतने के लिए। जैसे इलेक्शन में हमारे यहाँ क्या होता है कि सिर्फ मनी का आउटफ्लो इनफ्लो होता है, जिसके थ्रू जो है जिसके पास ज़्यादा मनी है वो ज़्यादा मनी को फेक करके, मनी को दे करके वो वोट खरीद ले रहे हैं। फाइनली क्या हो रहा है कि ये एक लिमिटेड इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टीज़ में, जिसमें कि पावर जो है वो आपको कुछ ही डायनेस्टी के ऊपर देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ भी आप देखते हो कि BJP या कांग्रेस दो ही हमारे यहाँ पे राज कर सकती है, क्योंकि ये दोनों बहुत महंगी पार्टी है। अगर हम लोग ग्रोइंग देखें मनी का जो रोल हो रहा है इलेक्शन में और जो पार्टीज़ में, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे हम लोग अगर रिच कैंडिडेट को सेलेक्ट करें और उनमें से जो एबिलिटी है जो फंड को रेज करने का इलेक्शन फाइट करने के लिए, तो मेनली हम लोग क्या देखते हैं कि बिजनेस पर्सन्स होते हैं और एक क्रिमिनल्स होता है, जो खुद ही अपने आप एक कैंडिडेट के रूप में खड़े हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और मोस्टली जो भी आपके
आपको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलेंगे या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेंगे, वो क्रिमिनल्स ही होते हैं, उनके ऊपर भर भर की चार्ज लगी होती है, लेकिन हाँ वो इलेक्शन जीत जाते हैं ओके, क्योंकि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मनी। लेकिन अगर अभी हम लोग सक्सेसिव गवर्नमेंट की बात करें इंडिया में, तो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के चैलेंज से लड़ सके और वो एक इंट्रोड्यूस कर सके न्यू सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म, जिसके थ्रू वो सके जो भी आपका मनी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और साथ ही जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर रहा है। बहुत सारे पर्सन्स में देखे जो रिफॉर्म है, प्रपोजल है, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, और जो आइडिया है पब्लिक फंडिंग का इलेक्शन में, वो भी एक कुछ समय तक अभी यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। तो बहुत सारी कमिटीज़ जो है अपॉइंट की गई है हमारे सक्सेसिव गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के थ्रू, जो अभी आपका बीजेपी को देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू क्या हो सके कि यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोजल किया गया है कि स्टेट फंडिंग हो पार्टीज़ का और इलेक्शन में। इंड नोट में बताया जा रहा है कि जो नेचर है हमारे यहाँ पॉलिटिकल फाइनेंस का और जो हमारे मनी का जो रोल इंक्रीज़ हो रहा है इलेक्शन में, इंडिया को एक तरीके का पब्लिक फंडिंग ऑप्शंस को सीरियसली ऑप्ट करना चाहिए। ग्लोबल एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो ये प्रूफ हुआ है इंडिया के लिए, वो ज़रूरी है यहाँ पे कि इंडिया एक तरीके का आपको ऑप्शन ऑप्ट करके चले, जिसमें कि साइमल्टेनियस इलेक्शन अच्छे से हो पाए। अगर हम लोग पॉलिसी की पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो एक क्लोज अटेंशन पे करे, जिसके थ्रू ये जो स्टोरी और भी कंट्रीज़ का जहाँ पे फेल हुआ है, वो इंडिया में फेल ना हो सके ओके। कैनेडा का देखें, कैनेडा का तो यहाँ पे आपको लेसर एक्सटेंट देखने को मिलेगा, जिसमें कि जापान ने रिलीव किया है, एक रिवील किया है इफेक्टिव पब्लिक फंडिंग मॉडल। तो कैनेडा में अगर एक कनाडा में अगर देखें तो एक जगह आपका फेल हुआ है, लेकिन जापान में यही प्रॉब्लम जो ये इशू है ये सक्सेस हुआ है। तो इसी तरीके से जो जिस कंट्री में सक्सेस हुआ है उस कंट्री से हमें सीख लेना चाहिए, और साथ में जो इस कंट्री में इस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है वो भी हमें देखकर अपने इंडिया में इस तरीके के चीज़ को, पॉलिटिकल फाइनेंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं स्पेशल पैटर्न्स और वोटर टर्नआउट हमारे यहाँ कैसा पैटर्न है और क्या क्या है, ये अब हम लोग देखते हैं। इंडिया जो है वो कंडक्ट करना चाहती है और करती भी है एक तरीके का फेयर और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, जहाँ पे वोटर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं फ्रीली, वो अपना वोट देते हैं, उनके ऊपर कोई भी तरीके का दबाव नहीं होता है। वो तो हिडन बात है कि हर लोग को दबाव दिया जाता है, बीजेपी वाले जो है वो पैसे दे के खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसे आप यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉलिटिकली प्रेशर नहीं है ओके। वोटिंग बिहेवियर अगर देखें और इसके टर्नआउट देखें तो वो लिंक किया जाता है किसी भी पॉपुलेस के एटीट्यूड से, कि वो किस लेवल पर वो वोट देना चाहते हैं। फ्री का मतलब, फ्री जो है विल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि फ्री अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर हम लोग देखें जो वोटर फील करते हैं कि वो जो है कोर्स नहीं है वोटिंग में, सिंगल पार्टी को वो वोट देने में अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको जो है ज़बरदस्ती वोट देने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। स्पेशल डायमेंशन अगर हम लोग देखें वोटर टर्नआउट का, तो वोटर जो टर्नआउट है इंडिया में वो कंसिस्टेंटली हाई होते जा रहा है लास्ट 7 डिकेड्स में देखें, जो कि 67% हो गया है 2014 के जनरल इलेक्शन में। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो रोबस्ट है, जहाँ पे आपको स्टेडी और कुछ स्टेट में आपको वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग US की बात करें तो यहाँ पर जो वोटर टर्नआउट है वो कम होते हुए दिखता है। 2016 में आपका 56.5% था, जो कि अगर हम लोग 2012 की देखें तो ये 58.6% हो गया। तो जो इलेक्शन है इंडिया में वो एक लार्जेस्ट ह्यूमनली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, मीन्स लोगों की है, हम लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंडिया में ह्यूमनली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट कहा गया है। 2014 की जो जनरल इलेक्शन डेटा है वो आपको देखने को मिलेगा, इतनी पोलिंग बूथ थी और यहाँ पे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ओके। अराउंड आपका 7 लाख जो है पोलिंग बूथ था यहाँ पे, पोलिंग बूथ जहाँ पे हम लोग जाके वोट देते हैं ओके। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रोसेस अभी रन हो रहा है स्मूथनेस के साथ, वो ट्रूली अप्रिशिएबल है ओके। इतने ह्यूज आपको पोलिंग बूथ्स में और आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ अगर हमारे यहाँ इलेक्शन इतने अच्छे से हो रहा है, तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल की बात है। अगर हम लोग देखें जो इंट्रोड्यूस हुआ था EVM मशीन 1982 में, इसका यूज़ था कि पार्टी सिंबल्स को शो करता था, साथ ही साथ यहाँ पे पार्टी नेम भी दिखाता था। जब EVM मशीन को प्लेस किया गया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे और बायस्टैंडर्स थे, उनका जो गेज था ना उनको दूर किया गया। वोटर टर्नआउट का क्या मतलब है? वोटर टर्नआउट का मतलब है कि एक स्टेट में, जैसे अगर आप नागालैंड से हो तो नागालैंड में टोटल पॉपुलेशन कितना है और उन टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग जो है वो वोट दे रहे हैं ओके। यानी नंबर ऑफ वोट गिवन बाय अ पर्सन बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ओके, बट इन पर्टिकुलर स्टेट। तो इसको हम लोग टोटल वोटर टर्नआउट कहते हैं।
तो अभी क्या हम लोग को देखने को मिला कि जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे वो भी वोट देने में पार्टिसिपेट कर पाए। पहले वो बहुत ही दूर रहते थे, वो वोट नहीं देते थे, उनको पता ही नहीं रहता था। लेकिन आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, मणिपुर जो है उनकी जो वोटर टर्नआउट है ना वो भी अभी बढ़ी है, 80% के अराउंड बढ़ी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। अगर हम लोग लिटरेसी और एजुकेशन देखें हमारे यहाँ, तो वेल एजुकेटेड जो लोग हैं हमारे नेशंस के वो एक अच्छा चॉइस कर पाते हैं कि किनको वोट देना है। ओके, अगर आप एजुकेटेड होंगे तभी आप अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे कि कौन सी पार्टीज़ है और कौन से लोग हैं ना जो हमारे जनता के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा काम करेंगे। तो अगर हम एजुकेटेड है तो हम हर तरीके की डिफ्रेंशिएशन को परख पाते हैं कि हाँ कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है तो वो किस मैटर में अच्छी है, बीजेपी अच्छी है तो किस मैटर पर अच्छी है, तो हमें किसको वोट देना चाहिए। ओके, तो इस तरीके का चीज़ है लिटरेसी और एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम इलेक्शन में देखने को मिलता है कि ह्यूज पार्टिसिपेशन होता है इस चीज़ का। जो लोग एजुकेट होते हैं उन्हीं को पता होता है कि हाँ वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ही वोट से जो लोग हैं वो चुन के लोकसभा में जाते हैं और हमारे ही वेलफेयर के लिए वो काम करते हैं। ओके, तो इसीलिए एजुकेशन और लिटरेसी जो है वो ह्यूज रोल प्ले करती है। लेकिन साथ ही अगर हम लोग देखें वोटर टर्नआउट का 2019 से 2014 जनरल इलेक्शन में तो कहाँ कहाँ लो था और उसके बाद कहाँ कहाँ बढ़ा है, तो ये आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग को देखने को मिलता है तो ये नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट है, जिसमें आपको मिजोरम और मेघालय को छोड़कर आपको बाकी स्टेट में दिखेगा कि टर्नआउट जो है वो बढ़ा, यानी नंबर, टोटल नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन था तो उसी में से ज़्यादा लोग जो है वोट देना स्टार्ट किए। साथ ही आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका वोटर टर्नआउट होते हैं। सबसे लो अगर आप देखोगे तो सबसे लो आपको पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, साथ ही कर्नाटक में भी लो है, मेघालय में भी लो है। ओके, उसके बाद बाकी सारे स्टेट में आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की है, ये भी आपको मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अगर इलेक्शन की बात कर रहे हो या फिर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन का कहीं भी अगर आप नोट्स लिख रहे हो या फिर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो तो इस तरीके की ग्राफ अगर आप बना दोगे ना, डायग्राम बना दोगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग वोटर टर्नआउट देखें 1977 से 2014 के बीच में, तो ये थ्री स्टेट का दिखाया जा रहा है, गोवा, गुजरात और राजस्थान का। तो रेड वाली राजस्थान की है, तो राजस्थान की भी आपका देखने को मिलेगा कि 2019 से 14 के बीच में बढ़ा है और गोवा का भी बढ़ा है, लेकिन आपका गुजरात का जो है वो स्लो डाउन हो गया। तो ये मैप देखना बहुत ज़रूरी होता है, इस तरीके की मैप को आप आंसर में आराम से बना सकते हो। तो बाकी ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पॉर्टेंट है वो बता दूँ। अब अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आपके इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री भी नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टेट लेवल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही डाइवर्जेंस लेवल में देखने को मिलता है। कुछ स्टेट जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड है, कुछ स्टेट जो है अभी अंडर डेवलपिंग है और डेवलपिंग है। ओके, तो बहुत सारी स्टेट्स जो है वहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो ज़्यादा देखने को मिलेगी, डेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, डेफिसिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इन सब के कारण जो है ना स्टेट परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रही है और क्रिसिल की रिपोर्ट निकल कर आती है जिसके बेसिस पे हम लोग देख पाते हैं कि कौन स्टेट कैसी परफॉर्म कर रही है। कुछ जो डेवलप्ड स्टेट होते हैं जैसे आपका दिल्ली हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये सारी जो है वो बहुत अच्छी वहाँ पे आपको स्टेट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ में वहाँ पे जो वोटर टर्नआउट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ स्टेट होती है जैसे बिहार है, यूपी है, एमपी है, ये आज के भी डेट में यहाँ पे सबसे लोएस्ट आपको वोटर टर्नआउट देखने को मिलेगा। साथ में जो पार्टिसिपेशन होता है इनका इलेक्शन में वो भी बहुत कम दिखेगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ है, बिहार में आपको लिटरेसी रेट भी बहुत कम देखने को मिलेगी, फीमेल लिटरेसी रेट तो और भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम होती है। इलेक्शन के दौर पर ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती है। और अगर आप नेक्स्ट जेंडर देखें तो पास्ट फ्यू डिकेड से ये बताया जा रहा है कि जो डिक्रीज़ हो रहा है जेंडर गैप में, यानी फीमेल वोटर जो टर्नआउट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। पहले सिर्फ मेल ही वोट करने जाते थे लेकिन अब हमारे यहाँ फीमेल भी वोट करती है, खास करके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये सारी बहुत ज़्यादा ही आपको जेंडर गैप देखने को मिलेगा। तो 1957 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था वहाँ पे जो जेंडर गैप थे वो 17% था, लेकिन ये अब कम होकर 8% हो गया है 2014 के जनरल इलेक्शन में, ऐसा देखा गया है। तो कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न भी देखने को मिला है जिसमें आपका जो जेंडर गैप है वो पहले के कंपैरिजन में अभी नैरो हुआ है, यानी कम हुआ है। कुछ अगर स्टेट की बात करें जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान और यूपी है, ये अभी फर्स्ट कैटेगरी में फॉल हुआ है। और अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपको साउथ इंडिया दिखेगा जहाँ पर आपका केरल एक्सेप्शन है। ओके,
और अगर नेक्स्ट बात करें क्लास, कास्ट और रिलीजन का, तो ये इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही देखा जाता है। लोग उसी को वोट करते हैं जो उनके क्लास के होते हैं, जो उनके कास्ट के होते हैं और उनके रिलीजियस के होते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा आपको फेवर देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, क्योंकि लोग जो है इलिटरेट होते हैं तो ही वो ज़्यादा कास्ट को फेवर करते हैं और रिलीजियस वगैरह को फेवर करते हैं। अगर आपके यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ जाएगी किसी भी स्टेट में जहाँ पे आपको लिटरेसी रेट अच्छी दिखेगी और जो जेंडर गैप कम दिखेगी, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं ना वो अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि ये कास्ट, क्लास और रिलीजन से ऊपर होकर ये बनता है कि जो एक पर्टिकुलर पार्टी है वो कैसा वर्क, लोगों के लिए कैसा काम करेगी। क्योंकि वो हमारे लिए ऊपर जाकर काम करते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन तीनों चीज़ों से ऊपर बढ़कर ये सोचें कि ये जो पर्टिकुलर पार्टी है वो हमारे और सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए कितना काम कर सकेगी। ओके, तो ये भी अब कम होते हुए देखा जा रहा है। जो 2014 की इलेक्शन है उसमें आपको 67% देखा जा रहा है, और साथ में अगर 2012 की और 2007 की कितनी 2009 के वोटिंग में आपको 47% देखने को मिलेगा। साथ ही जो रिलीजियस माइनॉरिटी होते हैं वो भी बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, और जो मुस्लिम्स कम्युनिटी देखने को मिलते हैं वो भी हमारे यहाँ बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी इन पे बातें बताई जा रही है। एंड नोट में बताया जा रहा है कि जो वोटिंग है वो एक कलेक्टिव एक्शन है, जहाँ पे वन वोट जो है आपको देखने को मिलेगा, एक मिलियन होल्ड देखने को मिलता है लिटिल रेलिवेंस में। लेकिन अगर हर एक वोट की काउंट करें तो वो इलेक्टोरल प्रोसेस को बनाता है, साथ में सिक्योर करता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लिटिल मोटिवेशंस देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली आपका एक वोटिंग बूथ को के ट्रिप को पूरा करता है। करप्शन और क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है कैंडिडेट का वो डिसहार्टेन करता है, बहुत लोगों को ये दुख पहुंचाता है। मुझे भी पर्सनली बहुत चिड़चिड़ होती है कि एक ऐसे लोगों को एमपी और एमएलए क्यों बनाया जाता है जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भर भर के उनके हैं। ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए था हमारे पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन अभी भी अगर हम लोग रेसिडेंट देखें कुछ सर्टेन स्टेट का, तो वहाँ पे जो है इन तरीके के लोगों को ज़्यादा वोट दिया जाता है। लेकिन अब ज़रूरत है कि इंडिया को वेकअप होना है, जागना है और जागरूक एक इंसान बनना है जिसके थ्रू जो है हम लोग एक असली पैटर्न में चल के एक सही लोग को वोट दे सकते हैं। अगर हम लोग लोअर वोटर टर्नआउट देखें जो बिहार और यूपी में देखने को मिल रहा है, उनको भी ईजिली हम लोग को रिलेट कर सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स से। So guys, this is the end of this lesson. And if you like this lesson, then please like, review, share, and don't forget to subscribe my channel. And if you have any kinds of comment, you can ask any kind of doubt, you can ask me on comment section. Thank you.